नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा के रूप में 24वें अध्याय का पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें हम सत्यवान सावित्री की कथा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले के प्रथम 23 दिन की कथा के वीडियोज मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ज्येष्ठ मास का महत्तम श्रवण करने के लिए रोज सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु से संबंधित और ज्येष्ठ मास से संबंधित कथाओं को श्रवण करते हुए ज्येष्ठ मास के महात्म्य को श्रवण करना चाहिए। मैं यहाँ आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के एक अध्याय का पाठ रोज बता रही हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य के 24वें अध्याय का पाठ बताऊंगी। इसके पहले 23वें अध्याय में स्कंद जी ऋषियों से कहते हैं कि अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य श्रवण करेंगे। हम सावित्री की कथा सुनेंगे। मद्र देश के राजा अश्वपति बहुत ही दानवीर, शूरवीर, जितेंद्रिय और सत्य प्रतिज्ञ था। उसके संतान न होने के कारण उसने सावित्री मंत्र से 100,000 आहुति देकर नियम पूर्वक व्रत किया, जिससे सावित्री जी ने प्रसन्न होकर उसे पुत्री होने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से राजा के तेजस्वी और कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। जब वह कन्या बड़ी हुई तो सब उसे देव कन्या कहने लगे, क्योंकि वह बहुत ही तेजस्विनी थी और उसके तेज के कारण कोई भी उसे वरने को तैयार नहीं था। तब राजा ने उसे अपने वृद्ध मंत्रियों के साथ अपना पसंद का पति ढूंढकर वरने की आज्ञा दी। वह पिता की आज्ञा से अनेक देशों में गई। अब आगे की कथा हम 24वें अध्याय में सत्यवान सावित्री कथा के रूप में देखेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, व्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले, हे भारत, इसके पश्चात मद्र राज अश्वपति और नारद ऋषि का समागम हुआ। कथा के योग से राजसभा में नारद जी बैठे थे। इसी समय राजकन्या सावित्री मंत्रियों के साथ समस्त तीर्थों के आश्रम में जाकर पुनः अपने घर वापस आई थी। नारद ऋषि के साथ अपने पिता को देखकर सावित्री ने दोनों के चरणों को छूकर नमस्कार किया। नारद जी ने राजा से कहा कि हे नृप, हे राजन, तेरी यह कन्या कहाँ गई थी, कहाँ से आई है और आप इसका विवाह क्यों नहीं करते? तब राजा अश्वपति बोले, हे देव ऋषि नारद जी, मैंने इसको इसी काम के लिए भेजा था, वही कार्य करके यह आई है। सो आप कृपा करके इसके उस कार्य को सुनिए। इसने जिस व्यक्ति को पति के रूप में वरा है, जब पिता ने विस्तार पूर्वक कहने के लिए कहा, तब वह कन्या देव वचन का अवलंबन करके बोली, वह कन्या मतलब सावित्री बोली कि शाल्व देश में धर्मात्मा द्युमत सेन नाम वाला एक क्षत्रिय राजा हुआ। वह राजा देववश अंधा हो गया। अब उस राजा का पुत्र छोटा था और वह अंधा हो गया तो उसके राज्य में, यानी उसके जो बेरी थे, उसके जो दुश्मन थे, उनको मौका मिल गया और उन्होंने उसके राज्य में छिद्र मिलने के कारण, यानी उसके एक कमी नजर आने के कारण, उन्होंने उसके राज्य पे आक्रमण करके और उसके राज्य को छीन लिया। तब राजा द्युमत सेन अपने छोटे से पुत्र और स्त्री को लेके वन में चला गया। वह महाव्रती बड़े वन में जाकर तप करने लगा तो उसका लड़का पुरी में उत्पन्न हुआ था, परंतु वन में जाके बड़ा हुआ। वह महा सत्यवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और उसी को मैंने वरा है। तो नारद जी ने कहा कि इसने महान पाप किया है, इसने बिना सोचे समझे गुण संपन्न सत्यवान को पति के रूप में वर लिया। इस बालक के पिता और माता दोनों सदैव सत्य बोलते हैं, अतः ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रखा है। इस बालक को अश्व अति प्रिय है, यह मिट्टी के अश्व बनाता है और घोड़ों के चित्र भी बनाता है, इसलिए इसका एक नाम चित्राश्व भी है। राजा अश्वपति बोले कि हे नारद जी, वह पितृवत्सल राजपुत सत्यवान इस समय तेजस्वी, बुद्धिमान और शूरवीर भी है क्या? नारद जी बोले, हे राजन, वह सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान शूरवीर, पृथ्वी के समान क्षमाशील है, तथा वह राजपूत दाता ब्राह्मण वीर्यवान, रसवान, उदार और प्रिय दर्शन है। वह दानवीर में
इस समय अपनी शक्ति राजा रंती देव के समान, उष्णीर पुत्र शिवी के समान ब्राह्मण्य और सत्यवादी है। वह बलि द्युमत्सेन ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय दर्शन और रूप में अश्विनी कुमार के समान है। वह दांत तप कलेश का सहनशील, मृदु यानी सुकुमार, शूर सिद्ध जितेंद्रिय और तपशील का निधि है। अश्वपति बोले कि हे नारद जी, आप उस बालक को समस्त गुणों से युक्त कहते हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो वह भी आप मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, उसके सब गुणों को दबा देने वाला एक ही दोष उसमें है और दूसरा कोई दोष नहीं है। वह दोष यह है कि वह क्षीणायु सत्यवान आज से एक वर्ष बाद शरीर त्याग देगा। राजा अश्वपति ने कहा कि हे सावित्री, हे शोभने, इधर आओ और दूसरे पति को वरने जाओ। अब उस सत्यवान में समस्त गुण को दबाने वाला एक ही दोष है कि वह अल्पायु है। वह बालक एक वर्ष में देह त्याग देगा, ऐसा मुझे नारद जी ने कहा है। तब सावित्री कहने लगी कि हे पिताजी, राजा लोग एक बार ही बोलते हैं और पंडित लोग भी एक बार ही बोलते हैं, तब कन्या एक बार ही वरती है। यह तीनों कार्य एक बार ही किए जाते हैं, चाहे वह दीर्घायु हो या अल्पायु, सगुण हो अथवा निर्गुण हो। मैंने एक बार पति को वर लिया, अब मैं दूसरा पति नहीं वरूंगी। मन से कार्य निश्चित होने पर ही किया जाता है, वचन से कहा जाता है, इसके बाद ही कर्म किया जाता है, उसमें प्रमाण भूत मेरा मन है। हे तात, मेरे इस मानस विचार का ध्यान रखकर जो कर्तव्य हो वह करना चाहिए, सो आप कहिए। नारद जी बोले कि हे नरश्रेष्ठ, सत्यवान के विषय में सावित्री का विचार स्थिर है। जिसकी बुद्धि निश्चित रूप से दूसरे पुरुष में नहीं जाती, उसको किसी प्रकार से भी इस धर्म से पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपकी कन्या का विवाह सत्यवान के साथ कर देना ही मुझे उचित मालूम होता है। राजा अश्वपति कहने लगे कि हे नारद जी, मैंने बिना विचार किए ही यह वचन कहे हैं और अब मैं आपके सत्य वचन को ही करूँगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, आपकी पुत्री का विवाह संबंध विघ्न रहित हो। ऐसा कहकर नारद जी उठकर स्वर्ग लोक को चले गए। तदंतर राजा अश्वपति ने भी अपनी कन्या का सब वैवाहिक कार्य किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन चतुर्विंशो अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।